कहाँ को दीजिए, 10 साल रह गए के भाजपाई कपड़ा ले रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं और आप पड़े तेजस्वी के चक्कर। आरजेडी वाले नहीं आते हैं सिलाने? सभी लोग आते हैं। नहीं, लेकिन आप लोग का भी बड़ा दो तरह का बात है, आरजेडी कार्यालय तरफ है, बहुत कम है कुर्ता पजामा वाला, सब इधरे, सब नेता इधरे आते हैं, तब भी आप कह रहे उधरे वोट दीजिएगा। हाँ, वोट तो सब सिलाने वाले भाजपा के, सब भाजपा के, आरजेडी उन्हें सुनसान पड़ा हुआ है, तब वोट उधर, बिजनेस इधर से बताइए, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है, देखिए गड़बड़ है ना, बिजनेस आपको कहाँ मिल रहा है? बिजनेस तो भाजपा देती है जी, बिजनेस भाजपा दे रही है, रोजगार भाजपा दे रही है और सपोर्ट हो रहा है राजद का। हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं सरकार में आएंगे तो हम भी देंगे रोजगार, 10 लाख बेरोजगारों को। नहीं, कहाँ से रोजगार देंगे, 10 लाख कहाँ आए हैं, तरीका कुछ कुछ बताए, तरीका जो बताए है वो केवल जुबानी है और केवल सरकार सत्ता में आने के लिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल है और पार्टी कार्यालय जितनी भी है सभी के बाहर भीड़ लगी हुई है और पार्टी कार्यालय के बाहर में ये देखिए यहाँ पे एक लाइन से जो है तमाम जो यहाँ से दुकानें जो आपको दिखाई दे रही है सारा कुर्ता पजामा जो नेताजी का जो वस्त्र होता है उसके लिए यहाँ कतारें लगी हुई है और देखिए यहाँ पे लोग जो है यहाँ सिलाई भी हो रहा है कपड़ा का, नपाई भी हो रहा है, नेताजी भी आते हैं और भी शौकीन लोग जो हैं नेता वाला जो ड्रेस पहनना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग कहाँ से आए सर? सासाराम से। सासाराम से, तो कौन पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अच्छा, सासाराम से आप विधायक के लिए प्रत्याशी हैं? विधायक। अच्छा, टिकट के लिए आए हैं, तो यहाँ कुर्ता और ये सब चीज अच्छा मिलता है? हाँ, यहाँ ढंग का मिलता है, बिहार का राजधानी है ना, यहाँ के बारे में शुरू से जानते हैं कि यहाँ हमेशा मिलता है। हाँ, मिलता है और जल्दी तैयार भी हो जाता है। हाँ। अच्छा, समय से हम लोगों को कितने दिन में तैयार कर देते हैं जी? सवेरे 12 बजे मिल जाएगा, सुबह 12 बजे तक मिल जाएगा। अभी न पाया, सुबह 12 बजे मिल जाएगा जी। जी, हमको भी मिल जाएगा जी, आपको हम भी वो कुर्ता सिलाएंगे जी, आपको भी मिल, पैसा नहीं देंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। अच्छा, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से? हम लोग भी सासाराम से ही हैं। सासाराम से आए हैं, सपोर्ट में आपके आए हैं? हाँ। अच्छा, सब लोग समर्थन में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए हैं, टिकट की गुंजाइश लग रही है कि मिलेगी? पहले तो ये रहे कि सासाराम विधानसभा भाजपा का हो, पहले तो वही है, बैठक चल रही है। अच्छा, सीट बंटवारा होगा तब होगा। हाँ, आप अच्छा रुकिए ना 2 मिनट बस, यही दुकान ही में रहे, 2 मिनट बस आइए, बाहर आ जाइए तो यहाँ बात कर ले। खैर, तो क्या चीज, कुर्ता सिलवाने आए थे यहाँ पे? ना ना, बस साथ में, बस यही रुकिए, इधर रुकिए ना, इधर। हाँ, इधर देख रहे थे, वही बैठक चल रही है, इम्पोर्टेंट बैठक है। अच्छा, पार्टी की कुर्ता सिलने दे दिए आप? बस वही कुछ समय पास कर रहे थे। अच्छा, आप? हम भी टाइम पास कर रहे हैं, हम लोग देखने आ गए थे, आ गए, लिए नहीं, अभी सीट मिल जाएगा तो फिर उतना जल्दी कुर्ता पजामा तैयार, तो रंग बिरंगा कुर्ता सिलाएगा, कुर्ता पजामा जल्दी बन नहीं पाएगा, क्षेत्र में लग जाएंगे। अच्छा अच्छा, टिकट के लिए मारा मारी है। चलिए आइए, चलिए दुकान, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ जान लेते हैं दुकानदार जो है, उन्हीं से जानेंगे अब क्या है। अब ये बताइए भाई, आइए, कपड़ा उपड़ा का बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? बिट्टू। बिट्टू जी है, कब से दुकान लगाते हैं आप भैया? क्या बताइए, बताइए, पूरा शर्मा रहे हैं, बताइए। बिट्टू जी बताइए ना, दुकान उकान कब से लगा रहे हैं? वही नेताजी देख के चले गए, कपड़ा नहीं लिए? नहीं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, ले रहे हैं, ले रहे हैं आप कपड़ा? ले लिए, ले लिए। अच्छा, ये बताइए ना, ये वाला है, शर्ट का है, कुर्ता का है? शर्ट कुर्ता दोनों बनता है। कितना, कैसे मीटर? 210 का है। एक कुर्ता में मेरे हाइट में कितना? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर, क्या रुपया पड़ेगा जी? कितना पड़ेगा? 500 रुपया। 500 रुपया सिलाई? सिलाई 200 रुपया कुर्ता का। 700 रुपया में कुर्ता मिल जाएगा जी? अभी ना पाएगा, कल सुबह मिल जाएगा जी। वाह, बड़ा फास्ट सर्विस है, सिलाई उलाई बढ़िया रहता है ना जी? बहुत बढ़िया। तो यहाँ इतना भीड़ रहता है, दुकान में ज्यादा समय ले लेता है, आप इतना फास्ट कैसे? यहाँ पर मास्टर लोग है, कारीगर ज्यादा। और क्या क्या, कैसा कैसा डिमांड अभी हो रहा है, नेताजी कैसा कैसा ड्रेस लेने आ रहे हैं? सभी तरीका, सभी लोग कैसा, व्हाइट वाला है कि रंगीन वाला? व्हाइट ज्यादा है।
सफेद वाला ज्यादा बिकता है, बंडी वंडी भी साथ में सिलाई होता है जी, जी। तो रेडीमेड मिलता है? नहीं, बंडी भी सिलाया जाता है। उसका कैसे पड़ता है? उसका वही आपको 1200 रुपया। 1200 रुपया कुर्ता के अलावा शर्ट भी हो जाता जी, है जी। शर्ट कितना पड़ेगा? शर्ट क्या, शर्ट मेरे 2 मीटर लगेगा। 2 मीटर कैसे मीटर बताएं? वो आपको 200 का है। 200 का 400 रुपया लग जाएगा? नहीं जी। 200 सिलाई 250 है। शर्ट में ज्यादा जी, कुर्ता में कम जी। अरे कुर्ता 250 में सिल देते हैं। आओ, दुपट्टा उपट्टा टाइप का? वो तो गमछा ना हुआ रहता है, वो भी गमछा है, सब व्यवस्था है। मतलब पूरा जो है आपको नेताजी बना दिया जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मास्टर साहब भी है। मास्टर साहब कितना सिलाई कर रहे हैं? कितना उम्र हो गया? उम्र हो गया 40-45 हो गया। कितना, क्या नाम है? इस्लामुद्दीन। अच्छा, कुर्ता उर्ता कब से सिल रहे हैं? सी रहे हैं 12-15 बरस से। यही पे जी? अभी तो चुनावी माहौल है, फिर कहाँ, यही रहता है दुकान जी? यहीं पे सीते हैं? हाँ, हमेशा पूरे साल? हाँ। अच्छा, सिलाते रहता है? नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अब नेताजी कैसा कैसा फरमाइश करते हैं? कुर्ता उनको डिजाइन भी बोलते हैं? डिजाइन का बोलेंगे, जो चल रहा है वही चलता है। डिजाइन नहीं, सेम डिजाइन, सेम डिजाइन, सेम डिजाइन चलता है। मोदी वाला कुर्ता का डिमांड है पूरा ऊपर तक बंद गला? सबका है डिमांड, सबका डिमांड। पजामा जो है एकदम चूड़ीदार वाला? सब चूड़ीदार है, खालीदार है। मोदी जी कैसे हैं, कैसे लगते हैं? मोदी जी सब कुछ ठीक है लगते हैं। नीतीश कुमार? सब भी ठीक लगते हैं। लालू यादव? सब भी ठीक तो बोल दिए भाई, सब ठीक है, सब कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। आप बताइए, बहुत हंस रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, क्या नाम है? हंस लीजिए पहले, खूब जोर से, जोर से हंसिए। अरशद अली। हंस रहे की रो रहे हैं? हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। नाम क्या हुआ? अरशद अली। अरशद अली, अरशद जी आप बताइए ना, ये तो बताए नहीं, नेताजी कौन बढ़िया है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पीएम मोदी, कौन बढ़िया? हमारे लिए तो सब ठीक है। सब ठीक है आपके लिए? चलिए, सब ठीक है इनके लिए। आइए, यहाँ जो है बड़े वाले मास्टर जी हैं, नाप रहे थे, थोड़ा सा बात कर लें कि नाप लीजिएगा पहले, जो बताइए। रुक जाएंगे हम लोग, नहीं नहीं आप करा लीजिए, आप करा लीजिए, हम लोग टाइम पास कर रहे थे थोड़ा सा, चलो भाई। मास्टर जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलाउद्दीन। पेट आपका बड़ा मस्त है? हाँ, दिक्कत है उसमें। दिक्कत हो गया इसीलिए ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कैसा बिजनेस उजनेस यहाँ आपका दुकान है? हाँ, सिर्फ सिलाई करते हैं। आपके ये लोग साथ में रहते हैं दुकान वाले से? अच्छा, तो सिलाई विलाई का उसमें छूट उट भी मिलता है कुछ? छूट क्या, यहाँ तो छूट ही छूट। अच्छा, मान लीजिए कि अभी चुनाव का मौसम है तो 200-250 रुपया शर्ट कुर्ता का है, ऐसे कम हो जाता है क्या? नहीं, यही रहता है सेम रेट। चुनावी माहौल है तब भी सेम रेट बढ़ा? अच्छा, एकदम सही रहता है। सिलाई का गारंटी रहता है? सिलाई का कोई गारंटी नहीं, घरेगा क्यों नहीं, सिलाई फटेगा नहीं, कपड़ा फटेगा नहीं, तो फिर सिलाएगा क्या रहता है, है ना? फिर सिलाएगा कैसे? वही लोग नहीं बोले, आप बताइए कौन नेता बढ़िया लगते हैं बिहार में? कोई आजकल अभी कोई है नहीं, कोई नेता बढ़िया नहीं है ना? कोई नहीं। सही बोले ही, आप लोग झूठ सच बोल दिए। नहीं, आप बोलेंगे भाई। किसको आना चाहिए मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री में कौन आना चाहिए इस बार? मुख्यमंत्री तेजस्वी को आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों? इसलिए कि यंग मैन है, यंग है, बाकी लोग बुढ़ा गए, सब बुढ़ा गए। नीतीश कुमार बेकार बुढ़ा गए, एकदम बैठ गए, उम्मीदें नहीं है अब। नहीं, आओ बैठना चाहिए घर में। हाँ, आप तो घर ही पर रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनकी तो अब टाइम पूरा हो गया, लेकिन अब तो रहेंगे और 5 साल तो नहीं, नहीं। चुनाव हुआ पिछले साल, तो अभी 4 साल आओ बचा ना। हाँ, 4 साल तो रहेंगे, उसके बाद जाइएगा। वोट पड़ा था इस बार की नहीं? हाँ, दिए थे। इसको दिए थे? राहुल को? नहीं, कब? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिए थे? मैं, आप पसंद करते हैं, अभी बोल रहे हैं बैठा देंगे, तब जब बैठ, जब पसंद करते थे, जब पसंद करते थे। बन गया, अब अगला बार नहीं दीजिए? नहीं। नीतीश कुमार को? नहीं, इस बार तेजस्वी को। काम देखे अब नरेंद्र मोदी को वोट दिए और काम इतना कर दिए, तब कह रहे हैं बैठा देंगे। कहाँ मौका दीजिएगा सर? किसको मौका दीजिएगा? अगला को दीजिए, 10 साल रह गए, भाजपाई कपड़ा ले रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं, और आप पड़े तेजस्वी के चक्कर। आरजेडी वाले नहीं आते हैं सिलाने? सभी लोग आते हैं।
नहीं, लेकिन आप लोग का भी बड़ा दो तरह का बात है, आरजेडी कार्यालय तरफ है बहुत कम है कुर्ता पजामा वाला, सब इधर सब नेता इधर आते हैं, तब भी आप कह रहे उधर वोट दीजिएगा। हाँ, वोट तो सब सिलाने वाले भाजपा के, सब भाजपा के, आरजेडी उन्हें सुनसान पड़ा हुआ है, तब वोट उधर, बिजनेस इधर से बताइए, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है, देखिए गड़बड़ है ना, बिजनेस आपको कहाँ मिल रहा है, बिजनेस तो भाजपा देती है जी, बिजनेस भाजपा दे रही है, रोजगार भाजपा दे रही है, और सपोर्ट हो रहा है राजद का, हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं सरकार में आएंगे तो हम भी देंगे रोजगार 10 लाख बेरोजगारों को, नहीं कहाँ से रोजगार देंगे 10 लाख कहाँ, तरीका कुछ कुछ बताए, तरीका जो बताया है वो केवल जुबानी है और केवल सरकार सत्ता में आने के लिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, और वो कहीं जमीन पर नहीं है, वो केवल हवा में है। और जितना आरोप है तेजस्वी जी पर या उनके परिवार पर, सब माल तो लेकर के घर में बैठ गए हैं, फिर माल कमाने के लिए चक्कर में, कमाने के लिए फिर आना चाहते, फिर आना चाहते हैं समाज लोग, लेकिन माल कमाने हम लोग माल का नहीं दीजिएगा, किसी भी भाजपा नेता के यहाँ आप सर्च करिए नहीं मिलेगा, अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ तो हजारों करोड़ का है, और नीतीश जी से उनसे साथ थोड़े ही छूटने वाला था, केवल माल के चक्कर में ही छोड़ना पड़ा। ठीक है ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ किस तरीके से नेताजी कुर्ता पजामा सिलाने के लिए आते हैं, और सबसे खास बात ये रही है कि कहीं और पटना में आप सिलाने जाते हैं तो 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता भी समय लगता है, यहाँ तो देखिए अभी रात में न पाया, सुबह आपके हाथ में कुर्ता पजामा पहन लीजिए, पहन के नेता बन जाइए फर्स्ट क्लास एकदम, बंडी वंडी सब लगा लीजिए, चल जाइए टिकट लेने के लिए, यही अभी यहाँ चल रहा है, चुनावी माहौल है, हमारे चैनल के साथ बने रहें, चुनाव की जो भी खबरें आएंगी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, विधानसभा क्षेत्र का हम दौरा कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको रूबरू कराते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पता है आपको लाइक और फॉलो करना है, अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।